आदाब नमस्कार सत श्री अकाल जितने भी मेरे दोस्त हैं जितने मेरे फ्रेंड हैं मैं उनका बहुत थैंक यू करता हूँ। तो मेरे से इतना प्यार करते हैं बेपना और मैं ऊपर वाले का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं और मेरे काम में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये जितने मेरे दोस्त हैं जितने मेरे फ्रेंड हैं ये उनकी दुआओं का असर है, ये उनकी ब्लेसिंग का असर है। आज मेरे भाई लक्ष्मी नगर से आए हैं और ये फारूक भाई हमारे बहुत लाजवाब तबला बजाते हैं। आपने सुना होगा एक बहुत बड़े गज़ल गायक यंग गज़ल गायक रंजीत रजवाड़ा जी जो उनके ये पर्सनल तबले वाले हैं और उनके साथ इन्होंने देश विदेश में सारी जगह सारी कंट्रियों में टूर किए हैं। मैंने आज इनके ये तीन तबले बनाए हैं। और एक ये 6.5 इंची का ज़रा बजाओ। मुझे बड़े दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तिलक नगर में रहता हूँ और मेरे तिलक नगर का नाम कोई बदनाम करे तो मुझे बड़ा दुख लगेगा, क्योंकि मैं इस ज़मीन का पानी खाना सब यहीं खाता पीता हूँ और इस माहौल में मैं सांस लेता हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है कि हमारे तिलक नगर में लोग रेडीमेड गजरे जो कलकत्ते का बोल के, क्योंकि कलकत्ते में तो सारे रेडीमेड काम होता है, 2 या 3 बंदे बढ़िया काम करते हैं, एक मुक्ता दादा और एक सेमल दा जो टालीगंज में है, मुक्ता दादा और सेमल दा काली घाटी में है, बाकी 1-2 बंदे और हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन 90% वहाँ 4-4, 5-5 सौ रुपये की पुड़ी खरीद के और दिल्ली में खूब उसकी सप्लाई हो रही है और खूब लोग चढ़ा रहे हैं और अपने आप को वो मेकर कह रहे हैं जिनको वो कुछ आता भी नहीं खाद भी। तो इनके साथ भी एक चिटिंग हुई है, ये बेचारे लक्ष्मी नगर से आए और ये 2 तबले इन्होंने इनके स्टूडेंट बनवा के लेके गया था। ये देखिए ये गजरा, देखिए ये कलकत्ते वाला गजरा, ये देखिए। तो ये इनके साथ अब आप बताइए क्या। मैं यहाँ था नहीं, मेरे 2 स्टूडेंट्स आए थे और उनको पहले बजा के दिखाया तबला और मुझे भी वीडियो कॉल पे दिखाया था, लेकिन बनने के बाद देखिए क्या हुआ, 1 हफ्ते के अंदर ये तबले फट चुके हैं और काफ़ी फुल। भाई ये तिलक नगर में देखिए आप कैसा काम हो रहा है, वो मैं इतनी दूर से आता हूँ और मेरे स्टूडेंट भी काफ़ी परेशान हो गए, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। देखिए आप मेरे पास इतने पुराने आते हो, आपकी जब से दाढ़ी मूंछें भी नहीं थी अब तो माशाल्लाह से जवान हो गए, तो ये तो आप इतना बढ़िया बजाते हैं माशाल्लाह से और आपके उस्ताद मंजू खान साहब, तो आपका स्टूडेंट सिर्फ उसमें आ गया कि भाई लोग बजा के दिखाना, क्योंकि आप मोबाइल पे चाहे कैसे ही खराब से खराब तबला लो उसकी भी टोन ऑफ क्वालिटी मोबाइल पे दिखेगी, समझ गए, क्योंकि मोबाइल के अब आप ये बजा रहे हैं 6.5 इंची का, अभी तो मैंने कटोरा वटोरा कुछ फिनिशिंग भी नहीं की, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह तबला बोल रहा है, इसको बजाने में इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं। फुल्ला भाई के लिए दुआ निकल रही है दिल से, इतना अच्छा तबला इन्होंने बनाया है ये, और ये भी अभी इन्होंने बनाया है, ये भी बहुत अच्छा बोल रहा है तबला, इसकी दाब चाट दोनों देखिए और ये भी देखिए। फुल्ला भाई के तो हाथ का काम माशाल्लाह, मैं यहाँ था नहीं तो इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन अभी देखिए आपके तिलक नगर में क्या हो रहा है। बोले भाई हमारा हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तिलक नगर का नाम जो बदनाम लोग कर रहे हैं ना, एक्चुअली क्या है 2-3 यहाँ बजाने वाले हैं वो रेडीमेड पुड़ियाँ लाए और चढ़ा के दे दी, फिर बजा के दिखाते हैं, ऐ देखिए जी भाजी, ऐ देखो जी अब आपने किससे बनवाई, आपने स्टूडेंट ने किससे बनवाई, मुझको तो मालूम भी नहीं, आप कह रहे हो कि मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ इतना मालूम है कि तिलक नगर में बनी है, है ना। तो और देखो एक चीज और है, आप लक्ष्मी नगर में यही पुड़ी 1,000 रुपए की बिक रही है और मैं ये पुड़ी 800 रुपए की दे दूंगा। अच्छा हाँ जी, जो लोग 1,000 रुपए की बेच रहे हैं वो बहुत बढ़िया बेच रहे हैं, तो यही चीज मैं 800 रुपए की भी दे दूंगा। ये पता नहीं थी ना बात, अभी यहाँ पे इतना महंगा और इतनी दूर से आना भाई, लोग आए भी दूर से, अब देखो ये बेचारे जयपुर से आए सुबह से चल के। फारूक भाई आप बताइए, आपके ये तीनों तबले मैंने बनाए हैं, लाजवाब बनाए हैं गुल्लू भाई ने, और गुल्लू भाई से तो 1-1.5 साल पहले से जब से मुलाकात है, गुल्लू भाई के यहाँ पर हम लोगों ने तो सारे तबले
अब जैसे बोलते हैं ना अच्छे दिन आने, वो तब लोग के अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि हम लोग गुल्लू भाई से मिल गए हैं। और हमेशा जब से आए हैं तो गुल्लू भाई के यहाँ से अच्छे अच्छे तबले लेके जा रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। क्या होता है जैसे कलाकार होता है ना जिसको अल्लाह की देन होती है, वैसे गुल्लू भाई को भी एक अल्लाह की देन है, हाथ में रविश है गुल्लू भाई के। और बस हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आप ऐसे ही आगे नाम रोशन करें, जो खराब कर रहे हैं नाम वो खराब करें आप रोशन करें। मालूम है क्या, ये तो काम दुआओं का काम है और सीखने का काम है। जिन्होंने लोगों ने सीखा ही नहीं वो तबला भी सही नहीं बजाते, और तबला बनाने का तो बात ही अलग है, ये बजाने से ज्यादा बनाना टफ है। अभी आप इतने बढ़िया तबला बजाते हैं, आप अंदाजा नहीं है, आपके सारे रिश्तेदार उस्ताद फैयाज खान साहब, शमीम खान साहब उनके, और हिदायत खान साहब, कितने कितने बड़े लोग हैं, सारे आप उनके खानदान के बच्चे हो। तो आपको देखो मालूम, देखो चेक कीजिए आप सारे आपके तबले बनाए। तो ये चीज जो ना यहाँ हमारे तिलक नगर को बहुत हार्ड कर रही है, ये बड़ा बदनाम हो रही है। और मैं आपसे बहुत सॉरी मांगूंगा कि भाई ये जो हो रहा है तिलक नगर में ये बड़ा गलत हो रहा है। और मेरे रागी भाई इतने सीधे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रागियों का काम पूरे हिंदुस्तान में मैं करता हूँ। आर्टिस्ट ही रागियों की बदौलत मेरे पास आना शुरू किया है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ रागी आते थे मेरे पास, फिर आप जैसे लोग, आप जैसे भाई प्यार करने लगे, आने लगे। तो मैं तो रागियों का बहुत थैंक यू अदा करूँगा कि मेरी दुकान पे इस ठिए पे आनंदो चटर्जी, कुमार बोस, तारिक खान साहब, ताकू खान साहब, अकरम खान साहब, रफीद्दीन साबरी, योगेश जी, विजय घाटे, सुरेश तलवरकर जी, माशाल्लाह से अल्लाह का ये करम है, उसका ये फजल है कि दुनिया का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो मेरे पास तबले नहीं बनवा रहा, जो नहीं आ रहा। अब मैं खूब सुरेश जी के स्टूडेंट मेरे पास पुणे से बहुत बनवाने आ रहे हैं, और मैं उनके स्कूल में गुरुकुल जो बनाया है, गुरुकुल में भी अभी मैं 10 जोड़ियाँ बना के दे रहा हूँ, सारे बड़े बड़े मुँह के तबले 7-7 इंची के। तो वो सिर्फ क्यों बनवा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी, टोन ऑफ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तबला थाप चांद बना, देखिए ये 6.5 इंच का तबला है और इसकी टोन देखिए, ये कितना अच्छा बोल रहा है। और अभी तो मैंने फिनिशिंग नहीं की, अभी इसकी ट्यूनिंग करके मैं बैठा हूँ। हमारे फारूक भाई ने माशाल्लाह से बॉम्बे में सबसे बनवाए, दिल्ली में सबसे बनवाए, और ये जहाँ बेचारे आए हैं इनके यहाँ तो खान है। कितने तबले बनाते हैं, क्यों भाई शहबाज भाई आप बताइए हैं? और भाई जो मैं माफी चाहूंगा आपसे कि गुलाम वारिस भाई आप बताइए कितने लोग तबले आपके यहाँ बनाने वाले हैं, लेकिन ये आपका प्यार है, ये तो है, ये आपकी मोहब्बत है, आपका काम माशाल्लाह, और आपकी मोहब्बत, आपकी आदत भी कहूँगा कि इतनी अच्छी है कि हम आपकी मोहब्बत में कई गाड़ियों में दूर से आते हैं, और माशाल्लाह पूड़ियाँ भी रखी होती हैं। तो जो लोग भी भैया ये जिगजेड गजरे बनवा रहे हैं, हालांकि मैं भी बनाता हूँ जिगजेड गजरे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मेरे हैंडमेड हैं, रेडीमेड नहीं, क्योंकि मैं खुद कारीगर हूँ। मेरे सामने कोई बड़े से बड़ा उस्ताद आए और मैं उसे खुश करके भेजूँगा। अब ये नहीं है कि मैं अब तबला बजाऊँ, तबला बजा के आपको क्या मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे से तबला बनाना ही आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तबला बजाने का काम आपका है, मेरा तबला बनाने का काम है। आप सोचो कि तबला बना लो तो आप नहीं बना सकते। आपसे मैं कहूँ कि भाई आप बता सकते हो चांट चल रही है, और आप थाप चांट बता सकते हो, बना नहीं सकते, कर नहीं सकते। पूरी दुनिया के कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो स्याही लगा के तबला सेट कर ले, क्योंकि वो तो बजाना है, उन्होंने रियाज 10-10, 12-12 घंटा आप लोग करते हो, तो ऐसे ही हम 10-10, 20-20 घंटे तबले जो बनाते हैं ना, ये हमारा बनाने का रियाज है, हमको सिर्फ ये मारना आता है, बस ये मार सकते हैं बस हम ये। माशाल्लाह इसमें भी कितनी लॉ है। तो जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि जो लोग चीट कर रहे हैं, ऐसा जिगजैग गजरा बेच रहे हैं और बजा के दिखा रहे हैं, समझ लो वो बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज आप उन लोगों से बचिए, और तिलक नगर का नाम जो है ना प्लीज डूबने ना दीजिए, क्योंकि हमारे तिलक नगर को लोग बदनाम कर रहे हैं कि तिलक नगर में गलत काम होता है। कुछ लोग जो बोल रहे हैं गलत काम होता है, वो सच भी बोल रहे हैं।
तिलक नगर में तो मैं भी अच्छा काम करता हूँ, तो मैंने लोगों से यही रिक्वेस्ट की है कि भाई अच्छी ऐसी बात नहीं है, तिलक नगर में बहुत अच्छा काम होता है। अब मेरे पास राम कुमार जी मेरे अलावा तबले ही नहीं बजाते किसी का, आनंद होता था इतना बजा रहे हैं कि बहुत ज्यादा, सारे के सारे लोग मेरे पास जो आ रहे हैं वो अच्छे काम की वजह से आ रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा अच्छा काम कीजिए, अच्छी लोगों से ब्लेसिंग लीजिए और अच्छे कारीगरों के पास जाइए। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही अच्छा काम करता हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हर बजाने वाले से यही रिक्वेस्ट है कि वो बनाने वाले से परचेज करे। बनाने वाले से परचेज करेगा तो उसकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी होगी। अब बजाने वाला क्या थाप और क्या चांट आपको देगा, वो तो खिंची मारी और दे दिया और बजा के दिखा दिया, तो वो तबला नहीं होगा। आप बताइए हो जाएगा? आप जयपुर से मेरे पास किस लिए आए? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए तो हम लोग आए, नहीं मतलब 6 घंटे आना 6 घंटे जाना 12 घंटे 15 घंटे परेशान होना कौन चाहेगा, इतना टाइम वेस्ट होता है, इंसान खुद परेशान होता है। तो वो तो काम अच्छा होगा, वो आपका काम अच्छा है तो हमको कहीं से भी खींच के लाएगा दुनिया में कहीं भी, आपका काम है वो आपका। देखो आप दोपहर से मेरे पास आके बैठे हो, मैंने आपके तबले सेट किए और आपको जब तक तसल्ली नहीं हो रही तब तक मैं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आपकी अच्छाई है जी, यही तो है, इसी यही तो है जो दुआएं आपके साथ चल रही हैं, जो आपके काम में भी इसका असर दिखता है। हाँ ये चीज़ है कि भाई हमने जो उस्ताद से सीखा वो तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमको जो पॉलिश कराते हैं वो आप जैसे आर्टिस्ट कराते हैं, आप जैसे आर्टिस्ट ही तो हमको जो ना निखार रहे हैं, आप जैसे आर्टिस्टों की वजह से मेरा नाम है आज। आपका काम माशाल्लाह इस चीज़ पे बोलता है कि आपका काम ऐसा है कि हम लोग जो लोग नहीं भी जानते फिर वो आपका नाम देख के और आते हैं यहाँ पर, आपके काम की वजह से लोग आते हैं और आपके नेचर माशाल्लाह। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि भाई मैं आपका काम ख़राब हुआ तिलक नगर का नाम आप प्लीज़ ये ना करो, और मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ कि भाई और माशाल्लाह से पैसे भी आपसे कितने 1800 रुपये पूड़ी के लिए गए जी, 1800 रुपये पूड़ी के पे किए गए, तो ये मैं 800 रुपये की दे दूँगा, 1000 रुपये लोगों के बचेंगे ऐसे कचरे की। लेकिन बोल चाल क्या है ये तो देख लूँगा आपके सामने, ये 1 हफ्ता 10 दिन आप बता रहे हो बजाय, 1 हफ्ता में ही पड़ गए इतना तो यूज़ ही नहीं हुआ। तो ठीक है, जो मेरे से गलती हुई हो मैं उसकी सभी अपने दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा, और बस मैं फिर आखिर में यही कहूँगा कि आप हर बनाने वाले से बनवाइए, बजाने वाला बेचारे बजा सकते हैं बना नहीं सकते, और बजा के जो दिखाए समझ लो उससे तो बिल्कुल भी न रहो, क्योंकि वो बना ही नहीं सकता। अगर आप कहो कि भाई मैं बेच रहा हूँ तो आप बजा के बना के दिखाइए, नहीं बना सकते आप, बना सकती हो तो मतलब है तो फिर आप बेच रहे हो ये दिखा रहे हो कि ये वो बेकार की बातें हैं, वो तो हमारा काम है ही नहीं। काम बोलता है आपका काम बजाना है, मेरा काम बनाना है, तो आपकी मेरी तो गाड़ी एक समझ लो 2 पहिए हैं वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन वो उल्टा हिसाब हो रहा है कि बजाने वाले जो हैं बेचारे वो आप खूब बना रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है जितने बड़े बड़े जो हैं इनको तो बहुत बड़े बड़े शोरूम खोलने चाहिए, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हैं वो बिजनेसमैन हो जाएंगे वो कलाकार। हाँ तो आप जो ना जयपुर से आए हो अच्छी क्वालिटी की वजह से आए, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आपको मालूम है रंजीत भाई जब आप आए थे रंजीत भाई भी मेरी दुकान में विजिट किया और आप लेकर के आए, तो रंजीत भाई ने भी यही कहा कि भाई हम तो इसलिए आए कि भाई अच्छा काम हो, और ये मुझे वीडियो बनाने की इसलिए आप आए तो इसलिए मुझे वो लगा कि भाई मैं वीडियो बनाता हूँ कि तिलक नगर की मेरी बदनामी बहुत हो रही है, बड़े लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई ये जो ना आपके तिलक नगर में बड़ा गलत काम हो रहा है। नहीं पैसे अगर लिए तो फिर वो मेहनत वो काम करे बंदा, क्योंकि सभी मेहनत से कमा रहे हैं आजकल, लेकिन भाई बनाने वाले से ही परचेस करो ना आप लोग भी, मैं भी आपसे हाथ जोड़ के हमें वीडियो पे दिखाएगा तो हम और क्या कर सकते तो भैया चीटिंग से बचिए, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब, गलती की माफ़ी, तो आप प्लीज़ चीटिंगबाजी से बचिए।